नमस्कार मित्रों, इंजरी के इस पार्ट में, इंजरी के इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं डॉक्टर अजय यादव आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? सबसे पहली बात, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बता दूं कि किसी के घर में अगर छोटे बच्चे हों तो आप अरनिका 200 की एक ड्रम अपने घर पर रखें, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो कभी चलते फिरते, कभी चेयर पर से, कभी तख्त पर से, कभी बिस्तर पर से, कभी बेड पर से गिरते रहते हैं, उनको चोट लगती रहती है। और ये चोट खतरनाक ना हो, कभी गोले बन जाते हैं, कभी कुछ होता है, फूल आता, सूजन आ जाती है, तो इसके लिए अरनिका रखिए आप अपने घर पे, अरनिका 200। और कभी भी ऐसा केस हो, किसी को चोट लगा हो, हेड इंजरी हो, तो हेड इंजरी केस में आप यूज करते हैं अरनिका, पहली बात। दूसरा, नेट्रम सल्फ। अगर कुछ ऐसे लक्षण हैं नेट्रम सल्फ वाले, जैसे कि मैंने पिछली बार बात किया था, मान लीजिए कोई गिर गया, गिरने की वजह से उसको चोट लगी हो, और इसके अलावा बहुत वो दुखी हो, मतलब उसको अंदर से बहुत सैडनेस आ रही हो, तो नेट्रम सल्फे जाइए, ये लक्षण है, ठीक है, नेट्रम सल्फे जा जाता है। तो इसके अलावा आज हम बात करेंगे, मान लीजिए कहीं पे रप्चर हो जाए, कहीं पे कट जाए, छट जाए, इस तरह की चोट लगे, कहीं पे रप्चर हो जाए, तो ऐसे में सबसे बढ़िया होती है एक मेडिसिन है होम्योपैथी की, जिसको बोलते हैं कैलेंडुला, कैलेंडुला क्यू। कैलेंडुला क्यू से, कैलेंडुला क्यू को रुई पे लगा के उस जगह की सफाई कर लेते हैं। कहीं भी जैसे स्किन कट गई, चमड़ा कहीं पे, त्वचा छिल जाती है, कैलेंडुला क्रीम भी आती है मार्केट में, तो कैलेंडुला क्यू यूज करते हैं। कोई भी लेसरेटेड वाउंड्स है, या जितने भी केस होते हैं जहाँ पे स्किन ब्रेक हो जाती है, जैक्ड हो जाती है, या फिर रप्चर हो जाती है, या फिर सर्जिकल कहीं पे काम हुआ हो, बॉडी में सर्जरी हुई हो, हालांकि सर्जरी में सबसे बढ़िया मेडिसिन, मैं बीच में आपको कैलेंडुला से हटा के एक चीज़ बताना चाहूँगा, मान लीजिए सर्जरी बहुत शार्प नाइफ से हुई है, या कोई चीज़ बहुत शार्प नाइफ से कट गया हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग जो मेडिसिन देते हैं, मैकेनिकल इंजरी हो अगर शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो वहाँ पर जो हम मेडिसिन देते हैं उसका नाम है स्टेफिसैग्रिया, स्टेफिसैग्रिया 200, वहाँ के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। हम कैलेंडुला बात कर रहे थे, कैलेंडुला भाइयों एक होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक होती है। कैलेंडुला क्या है? होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक है, और इसकी खास बात यह है कि ये जो ग्रेनुलेटेड टिश्यूज है उनके यूनियन को सिक्योर करती है, उनको जोड़ देती है, ठीक है। इसके अलावा ये रोकती है सपुरेशन को, रोकती है, क्या रोकती है? सपुरेशन को भी रोकती है, कहीं पे सपुरेशन हो रहा है, कहीं पे मवाद इष्टा बन रही है, तो उसको जल्दी से ठीक ठाक कर देती है, मतलब बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और कहीं पर टिश्यूज आपस में, मतलब टिश्यूज जो इंजर्ड है उनको हटा करके हेल्दी टिश्यू ग्रो कराती है, तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। और ये कहीं भी चोट लगा है तो उस जगह को बहुत जल्दी जल्दी जर्म फ्री और हेल्दी बनाने की कोशिश करती है कैलेंडुला क्यू, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उसको रुई के फांस से लगा भी सकते हैं आप, और 10-10 बूंद 3-4 चम्मच पानी में पी सकते हैं 2 से 3 बार, जल्दी ठीक होते हैं घाव वगैरह के केस में ऐसे। और कभी अगर ऐसा घाव लगा हो, ऐसा बहुत तगड़ा वाला घाव लगा हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, बहुत ज़्यादा खून निकल गई हो, और वो पड़ गया हो पेशेंट एकदम वीकनेस से, तो ऐसे केस में हाइपेरिकम बेस्ट मेडिसिन है, वहाँ पे हाइपेरिकम रिकवर करती है, ठीक है। वहाँ पे क्या रिकवर करेगी? हाइपेरिकम, वहाँ के लिए हाइपेरिकम 200 बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, जो वहाँ से भैया रिकवर करती है। तो ये दो मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कभी चोट वगैरह लग जाती है, तो अरनिका एक हेड इंजरी केस में बहुत अच्छी मेडिसिन है, वैसे एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है, एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है वैसे ही, वो मेडिसिन है सिक्यूटा। सिक्यूटा क्या करती है कि जब कभी भी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में ऐसी किसी भी जगह पर इंजरी हो, किसी भी तरह की कंक्यूजन हो, जैसे धक्का खिंचाव झटका लग जाए, जैसे कोई गाड़ी आ रही है, कोई जा रहा है, उसको उड़ा दिया, तो वो उड़ के गिरा, दूर जाके गिरा, झटका लगा ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को, बहुत तगड़ी चोट लगी, तो ऐसे केस में सिक्यूटा बिरोसा, ऐसे केस में सिक्यूटा बिरोसा एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो कि वहाँ पर कोई भी दिक्कत होने के केस में वो संभाल लेती है। कंकुजन इंजरी हो, जैसे वहाँ पर अगर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का वो दब जाती है, कंप्रेशन हो जाता है, तो उसके बड़े रिजल्ट आते हैं, जैसे पैरेसिस होता है, पैरालिसिस होता है, ठीक है, और कन्वुलजंस होते हैं, स्पाज्म होते हैं, तो इन सबको, मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो लकवा किसी को हो जाए,
या फिर किसी को झटके पड़े चोट लगने के बाद, तो सिक्यूटा बेरोसा एक बेस्ट मेडिसिन है। वहाँ पे आप सिक्यूटा बेरोसा के लिए जा सकते हो। ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज को रोक देती है, जो भी न्यूरोलॉजिकल डैमेज है उसको एकदम से प्रिवेंट कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ है और अच्छी मेडिसिन से थी। और मैं कहूँगा कि कभी भी अगर चोट लगने के बाद किसी को वोमिटिंग हो, इतना तेज सिर में चोट आ जाए, वोमिटिंग हो, तो आप जा सकते हो इस अर्निका के लिए, अर्निका 200। साथ में चोट किस तरह की, अगर इस वाला कार्ड में भी फैली है तो हाइपेरिकम। और इसके अलावा जो थर्ड मेडिसिन पे आप जा सकते हो, अगर कभी वोमिटिंग हो, तो इपिका, इपिका के इसके लिए अगली मेडिसिन हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए, आप सभी लोगों का।